ए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा और आज का हमारा वीडियो एक सब्जी के से रिलेटेड है। सब्जी में कह लो, सैलड में कह लो, मतलब हर चीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं, बट वही चीज़ हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है और वो चीज़ है टोमेटो। जी, टोमेटो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, बहुत अच्छा टैन रिमूव करने में हेल्प करता है और स्किन को एक शाइन देता है, ग्लो देता है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, चलिए फटाफट देखते हैं कि हमको कैसे इसको यूज़ करना है। नहीं टाइम है स्पेशली बैठ के इन सब चीज़ों को करने का, तो ये ऐसे रेमेडी है जो किचन में काम करते करते भी कोई भी आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा। तो यहाँ पर मैंने एक टोमेटो लिया है, उसको मैंने हाफ कट कर लिया है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा शुगर। अब हमको इसको अपने फेस पर बहुत अच्छे से रब करना है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में जब भी हम लोग अपनी स्किन पे स्क्रबिंग करते हैं तो हमारी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, जिससे कि जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादा नहीं होती है और ठीक होने में हेल्प करता है। इसी तरीके से आपने कम से कम 5 मिनट तक अपने फेस पर अच्छे से स्क्रब करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पर हम लोगों का स्क्रबिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीनिंग वाला प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से करना है फ्रेंड्स, क्योंकि स्क्रबिंग करने के बाद जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। तो जितना अच्छे से आप स्किन को क्लीन करेंगे उतना अच्छे से हम लोग जो हमारा फेस पैक रहेगा वो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ मैंने टोमेटो को पीस लिया है, टोमेटो प्यूरी बना लिया है। इसमें मैंने ऐड करना है थोड़ा सा हनी, क्योंकि हनी हमारे स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा। और साथ ही हमने ऐड करना है यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने हल्का गुनगुना पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप देखेंगे फ्रेंड्स आपकी स्किन में कितना ज़्यादा अच्छे से ग्लो आपको दिखाई देगा और जो स्किन आपकी टैन हो गई थी वो टैन भी इससे पूरी तरीके से निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको वीक में वंस, या अगर बहुत ज़्यादा आपको धूप में निकलना होता है तो आपको इसको वीकली ट्वाइस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ही यूज़ में कितना अच्छा आपको ग्लो हम फेस पर दिखाई दे रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, उन सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें जो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और जो ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं उनके साथ भी आप शेयर करें ताकि होम रेमेडीज़ वो यूज़ करें और अपने स्किन को अभी हार्म नहीं होगी केमिकल से, बट एक टाइम के बाद वो स्किन बहुत ज़्यादा से डल दिखने लग जाती है अगर आप वही सारी चीज़ें यूज़ करना छोड़ देते हैं। तो होप कि आप सबके साथ शेयर करेंगे। अगर कुछ आप रिकमेंडेड वीडियो या फिर सजेस्टेड वीडियो के लिए आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।